अग्निपथ योजना क्यों है चर्चे में? अभी हाल ही में अग्निपथ योजना पर चर्चा काफी गर्म है और यही वजह है कि विद्या लाइफ आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी समझा। आइए आपको इस योजना के हर पहलू से अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। अग्निवीर का मतलब अग्नि योद्धा होता है। यह सैन्य कर्मियों की भर्ती की एक योजना है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं होते हैं। उन्हें 4 वर्ष के लिए रिक्रूट किया जाता है और इनमें से 25% को ही परमानेंट किया जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, 17.5 से 23 साल के छात्र इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको इसके वेतन और लाभ के बारे में बताता हूँ। अग्निवीर का वेतन 30,000 रुपए से 40,000 रुपए प्रति महीने होती है। इसके साथ ही अग्निवीर को जोखिम और कठिनाई भत्ते भी मिलते हैं। ड्यूटी में मृत्यु होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दिव्यांगता की गंभीरता को देखते हुए अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मिल सकता है। बात करें पेंशन की तो अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के बाद रेगुलर पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निपथ योजना क्यों शुरू की गई? अग्निपथ योजना शुरू करने का मुख्य कारण यह है कि इस योजना के तहत युवा भर्तियों पर जोर दिए जाने के वजह से यह अधिक चुस्त लड़ाकू बल तैयार करेगा। वर्तमान में सशस्त्र बलों में औसत आयु 32 वर्ष है, जो अग्निपथ योजना के बाद 26 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद इस योजना का उद्देश्य लगातार देश के बढ़ते रक्षा पेंशन बिल के बोझ को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि इससे अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान जो स्किल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को अलग अलग फील्ड में रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। आप जानते हैं अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे क्या हैं? रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का अभाव। यह योजना 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर एक अग्निवीर को लगभग 11,71,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान करती है, लेकिन कोई ग्रेचुटी या पेंशन नहीं देती। इससे नौकरी की सुरक्षा और पेंशन लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों में काफी असंतोष उत्पन्न हो सकता है। शॉर्ट सर्विस पीरियड यानी 4 साल का कार्यकाल अपर्याप्त माना जाता है, क्योंकि इसमें यह चिंता है कि अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों में स्थायी सैनिकों के समान प्रेरणा और प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। इसके अलावा यह लॉन्ग टर्म में सैनिकों को प्रशिक्षित करने और कुशल बनाने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि इससे आर्म्ड फोर्सेज में कौशल और अनुभव की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं आयु सीमा संबंधी मुद्दे पर। 23 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा ने कई युवाओं को इस दायरे से बाहर कर दिया है, जो महामारी यानी कोविड के दौरान भर्ती की कमी के कारण इसके लिए आवेदन नहीं कर सके। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, किन किन सुधारों की गुंजाइश है। पहला, अग्निवीरों के लिए सेवा अवधि 4 वर्ष यानी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल तक करनी चाहिए। दूसरा, अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा दर को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 60% से 70% किया जाना चाहिए, ताकि और से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें और जो बाकी जो निकलते हैं वो स्किल्ड होते हैं वो दूसरे जॉब में जा सकें। वहीं तीसरे पर, उन्हें अन्य सुरक्षा बलों में सेवा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। चौथा, इन्हें अनुभव का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। पांचवा, अग्निवीरों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं को 10वीं से बढ़ाकर 10+2 यानी 12वीं तक किया जा सकता है। छठे पर, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को और कठिन बनाया जाना चाहिए, ताकि इसमें अच्छे लोग ज्यादा भर्ती हों। सातवां, अग्निवीरों के लिए पेंशन शुरू करने के बारे में विचार करना चाहिए। अग्निवीर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वैसे 7 पॉइंट्स आपको हमने बताए विद्या लाइफ की तरफ से।
अब हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार को सुधार करनी चाहिए, उसके बारे में भी जरूर हमें बताएं। और दोस्तों, शिक्षा, नौकरी, आवेदन और एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी देना ही विद्या लाइफ का मकसद है। अगर आप शिक्षा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, मार्गदर्शन और सहयोग चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर 9289114393 से व्हाट्सएप चैट बॉक्स में टाइप करें हेल्प और विद्या लाइफ से सीधे जुड़े। आप किसी भी समय विद्या लाइफ के आधिकारिक वेबसाइट www.vidyalife.com और मोबाइल नंबर 9289114393 पर कॉल कर या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपने दोस्त विजेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।